नमस्कार बंधुओं, जय श्री कृष्ण। शरद ऋतु में व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। बहुत लोगों का फोन आते हैं, बहुत लोग दवा लेने भी आते हैं। सर्दियों में पाचन तंत्र बहुत वीक होता है, मंदम हो जाता है। और पाचन तंत्र जब मंद हो जाता है तो कैसे, क्योंकि सूर्य की गति कम हो जाती है। और जब सूर्य का प्रभाव कम होता है तो हमारी जठराग्नि पे सूर्य का सीधा संबंध है, तो सर्दियों में ज्यादातर लोगों को एसिडिटी विकार बना रहता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सर्दियों में आप भोजन की जो डाइट है वो अपने आप ही कम हो जाती है सर्दियों में। तो जब हमारे भोजन की डाइट कम होगी तो फिर हमारी बॉडी को कैलोरी भी कम मिलेगा, तो हम थके परेशान लगेंगे, तो उस स्थिति में क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सर्दियों में 4 बादाम, 4 काजू, 2 खजूर, खजूर ना मिले तो छुआरा, और उसमें बड़ी जो इलायची आती है गरम मसाले की, उसके 2-3 दाने। या ऐसा कीजिए, आप पहले ये तीनों ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको आप खा लीजिए सुबह, और उसके थोड़ी देर बाद वो इलायची का जो दाना आता है, बड़ी इलायची का मसाले वाली का, वो मुंह में डाल लीजिए। रोज ये सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बॉडी का तापमान बढ़ेगा, बॉडी की जठराग्नि के लिए सूर्य की जो कमी हो जाती है वो ऊर्जा आपको मिलेगी, और सर्दियों में आप कम भोजन भी करेंगे तो भी आपके स्वास्थ्य, आपकी फिटनेस, आपकी कैलोरी, मसल्स बने रहेंगे। आप ये नित्य सेवन करते रहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको खांसी वगैरह है तो कोशिश कीजिए कि आप बादाम को भून लें और उसका छिलका निकाल लें, क्योंकि जिनको खांसी वगैरह होती है तो बादाम का तेल जो है ठीक नहीं रहता, तो उसके लिए बादाम को भून के भी आप इस तरह खा सकते हैं, तो और ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा सर्दी और खांसी में। धन्यवाद।